पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो कुछ भी सोचने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। एक समय माता पिता इस उक्ति को अपने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन समय के साथ ये नारा अब बदल गया है। हम कह सकते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। हम खेलकूद के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में एक के बाद एक भारतीय खिलाड़ी मेडल पर अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे ही खेल लॉन बाउल्स में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। पिछले कुछ समय से बॉक्सिंग, जेवलिन, रेसलिंग, हॉकी जैसे खेल का बोलबाला चल रहा है। उसी बीच लॉन बाउल्स खेल में भारत ने पहली बार सीधे गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो लॉन बाउल्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे में आज जानेंगे कि लॉन बाउल्स खेल क्या है। लॉन बाउल्स खेल में एक गेंद का प्रयोग किया जाता है जो कि रबड़, लकड़ी या प्लास्टिक रॉल से बना होता है। इस गेंद का वजन भी निर्धारित है जो कि 1.59 किलोग्राम या करीब 1.5 किलो से ज्यादा तक का हो सकता है। इसकी गेंद बीच से गोल और साइड से थोड़ी चपटी होती है। इस खेल के लिए बड़े खुले मैदान की जरूरत होती है। इन बॉल को एक जैक यानी लक्ष्य तक फेंका जाता है, यानी गेंद को रोल कराते हुए खिलाड़ी उस आगे के लिए धकेलते हैं। इस बॉल को जैक तक पहुंचाना होता है और इसी आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। जहां से गेंद रोल करने की शुरुआत होती है वहां से इस जैक की दूरी 23 मीटर होती है। इस खेल में जिस टीम की जितनी गेंद विरोधी टीम की गेंद के मुकाबले जैक से ज्यादा पास होती है उसे राउंड में उतने पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें जैक के करीब पहुंचने वाली बॉल की दूरी मापी जाती है। इसमें खिलाड़ी अपनी गेंद से दूसरी टीम की गेंद को मारकर उसे जैक से दूर भी ले जा सकते हैं। लॉन बॉल्स को सिंगल और टीम दोनों तरह में खेला जाता है। टीम वालों में खिलाड़ियों की संख्या 2, 3 या 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। इस खेल में महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग टीमें होती हैं। भारत की ओर से 4 खिलाड़ियों की टीम जिसमें लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की अगुवाई में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लॉन बाउल्स में सबसे ज्यादा पदक वाला देश अगर बात करें तो इस खेल में अब तक सबसे ज्यादा पदक इंग्लैंड के पास 50 है। इसके बाद स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका है। जहां तक खेल के ओरिजिन कंट्री का सवाल है तो कई खबरों के मुताबिक लॉन बॉल्स प्राचीन मिस्र में खेला जाता था और अब यह यूरोपीय देशों में काफी प्रचलित है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए CBNN।